धुंगार। ये धुंगार भाई साहब, ये देख सकते हो यार अब इसके। लोग बाग इस तेल को फाड़ दें नमक डाल के। मैं इस तेल को फाड़ूंगा प्याज डाल के। कैसे डालेंगे? बिल्कुल अपने आप देखो एकदम कलर चेंज करेगा। अच्छा। यार दोस्त मुझे मुच्छड़ बोलते थे, बेटे बेटी ने क्लाउड किचन का नाम रख दिया मुच्छड़ अंकल। अच्छा। ये नली है। बड़ा मन था, मैं कभी भी आऊंगा तो सर के पास जरूर आऊंगा। आपका स्वाद किसमें? आपके हाथों में आप। इसमें एक जादू की झप्पी देनी है। अरे वाह, वो क्या है? ये है शक्कर। शक्कर? आपको मैं बता दूं, अपना यहाँ से मटन लाल मांस से बेंगलोर भी जाता है, बॉम्बे भी जाता है। अच्छा। अरे वाह, ऊंचे हो तो गगन जी जैसी हो वरना ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आया हूँ उदयपुर, जिसमें से सबसे पहली जो जगह है मुच्छड़ अंकल के नाम से, उनका नाम है, आप बैनर देख सकते हो पीछे मुच्छड़ अंकल किचन। और ये एक क्लाउड किचन है, आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको इनका कुछ भी खाना है, मटन रेसिपी, चिकन रेसिपी, आप इनकी रेसिपीज ऑर्डर कर सकते हो और पूरे उदयपुर में ये डिलीवर कर सकते हैं। आपको ऑर्डर पहले करना पड़ता है। तो आज हम लोग यहाँ आ गए हैं मुच्छड़ अंकल के पास। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं और उदयपुर की हमारी पहली रेसिपी को हम शूट करते हैं। आइए। आइए। कैसे हैं सर? बढ़िया एकदम, वेलकम। देखो उदयपुर में बहुत टाइम से सोच रहा था और मैंने यही सोचा था जब भी मैं उदयपुर आऊँगा ना तो अंकल के पास एक बार ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैंने अंकल की पहले वीडियो देखी है और इनका जो बनाने का स्टाइल है, इनका जो सर्व करने का स्टाइल, बड़ा मन था, मैं कभी भी आऊँगा तो सर के पास जरूर आऊँगा। और आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं सर? आज हम लोग बनाने वाले लाल मांस। लाल मांस, अच्छा, उदयपुर का बहुत ही मशहूर लाल मांस। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अंकल का नाम, वैसे तो आपका नाम एक बार हम बता, मेरा नाम गगन श्रीवास्तव है। हाँ, लेकिन वो नाम भी बताइए। लोग बाग मुझे जानते हैं मुच्छड़ अंकल के नाम से। हाँ, ऐसा क्यों? यार दोस्त मुझे मुच्छड़ बोलते थे तो बेटे बेटी ने क्लाउड किचन का नाम रख दिया मुच्छड़ अंकल। मतलब मूछे हो तो गगन जी जैसी हो वरना ना। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या सेटअप है। अंकल बिल्कुल आइए। तो अंकल लाल मांस बना रहे हैं आज अपन, है ना? बिल्कुल। तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए? मेन इंग्रेडिएंट्स ये है मथनिया मिर्ची। ओहो, मथनिया मिर्ची। हाँ, उसके साथ भी ऑर्डिनरी लाल मिर्च है। ये मैं बता दूं आप लोगों को, मथनिया मिर्च की जो पहचान होती है ना, लंबा होता है ये, और इसमें जो मिर्च के दाने होते हैं वो कम होते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए ज्यादा यूज होता है, कलर के लिए होती है। और एक टेंगी अलग ही टेस्ट होता है, मतलब जितना टेंगीपन किसी चाट वाले की चाट खा के लगता है ना, ये मिर्ची खा के वैसे ही टेंगी बना देता है। अरे वाह, मटन में क्या बात है। तो इसके साथ अपन ने लहसुन रखे हैं। लहसुन है, ये तो काजू बादाम होते हैं, मतलब काजू नॉनवेज, नॉनवेज का काजू है। तो ये इसका पेस्ट है। अच्छा, मथाने मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। दही, ये गरम मसाला जो इसमें यूज होगा, काली मिर्ची, लौंग, बड़ी इलायची, चक्री फूल, जायफल, जावित्री, सारे खड़े मसाले, सारे खड़े मसाले। और ये रफली चॉप प्याज है, ये ग्रेवी में थिकपन देने के लिए, थिकपन देने के लिए पिसा हुआ प्याज है। और ये अपना मटन है, तकरीबन एक किलो बना रहे हैं अपन आज। अच्छा। ये नली है, ये तो चाप है और ये कमर। तो ये आप फ्रेश लेकर आते हैं? बिल्कुल फ्रेश, आज तक कभी फ्रिज में मटन नहीं रखा। क्या बात है, मतलब यही तो तभी स्वाद आता है। इसलिए हर ऑर्डर में 2.5 से 3 घंटे बनने में लग जाते हैं। स्टार्ट करें सर? बिल्कुल आइए सर, हम चालू करते हैं। देखो आप, ये जुगाड़ भी कैसा है। अरे वाह, कम से कम 1 घंटा 40 मिनट 2 घंटा, इतना स्लो कुकिंग और जितनी अच्छी बुनाई होगी, जितना हिलेगा मटन बिल्कुल उतना मुंह से बोलेगा। क्या बात, जितना हिलेगा उतना मुंह से बोलेगा, उतना मुंह से बोलेगा। सबसे पहले ये टैंकर ब्रांड कच्ची घनी तेल है और बहुत अच्छा तेल है ये, इतनी प्योरिटी है कि आप अभी देखना, आप जैसे इसमें डालूंगा तो जो धांस लगेगी सरसों के तेल की आपकी आंखों में, आंखों में आंसू आएंगे। अच्छा। 1 किलो लाल मांस बनाने के लिए कम से कम 3-3.5 चम्मच तेल चाहिएगा, 150 ग्राम के आसपास। 7 साल की उम्र में ऐसे बना रहा हूँ, ये मेरे पिताजी को बहुत शौक था नॉनवेज बनाने का, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त से बस चलो बेटा आ जाओ। अच्छा। बस उसी वक्त से चालू करवा दिया, तब से मैं नॉनवेज इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ। खुशबू तो आनी स्टार्ट हो गई है वैसे तेल की। तेल की खुशबू आ गई। लोग बाग इस तेल को फाड़ दें नमक डाल के। हाँ। मैं इस तेल को फाड़ूंगा प्याज डाल के, प्याज खुद तीखा होता है। हाँ। तो तीखा तीखा मिल के इसको बिल्कुल ऐसा कर देगा, बैलेंस कर देगा। जब आप खाओगे ना तो ऐसा लगेगा देसी घी खा रहे। अरे
लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। मैं खुद हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैं जब भी कभी उदयपुर से आउटसाइड जाता था तो मुझे कभी भी अच्छा मीट खाने को नहीं मिला। अच्छा, ये तो बात है। मैं भी जब राजस्थान से बाहर जाता हूँ ना तो बहुत निराश हो जाता हूँ। सर, राजस्थान से बाहर खाना है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं। हाँ। अरे सर, इतनी पुरानी ग्रेवी और इतना वो कुछ के मतलब ऐसा लगता था यार क्या घास खा रहे और फिर तबीयत खराब करनी। सही बात है। तो मैंने कहा ये चीज उदयपुर आने वाले को भी तो होती है, क्लाउड किचन चालू किया और आज मतलब आप लोगों की दुआ, भगवान का आशीर्वाद, गुजरात से आने वाला टूरिस्ट, बेंगलोर वगैरह कलकत्ता से आने वाला टूरिस्ट अपना बहुत अच्छा कस्टमर है। अरे वाह, बहुत। आपको मैं बता दूं, अपना यहाँ से मटन लाल मांस स्पेशली बेंगलोर भी जाता है, बॉम्बे भी जाता है। अच्छा, अरे ज्यादातर कस्टमर आपके बंधे हुए कस्टमर? बंधे हुए है ना। अभी हाल फिलहाल मेरे पास 1500 कस्टमर के करीब है। अरे वाह, उदयपुर लोकल में। अच्छी तरह गर्म हो गया, देखो आप कलर चेंज, धुआं भी छोड़ रहा है। अब इसको अपन फाड़ दें तो ये देखो आप, ये जो प्याज है ना, हाँ, इसको ऐसे डालेंगे, बिल्कुल अपने आप देखो एकदम कलर चेंज करेगा। अब ये प्याज गया, अब इसमें हल्का सा चुटकी भर नमक जाएगा, प्याज जल्दी हो जाए, जल्दी पक जाएगा। सरसों के तेल की जो हार्डनेस है तीखा तो थोड़ी कम, वो कम हो जाएगी। फिर कभी ऐसा नहीं सोचा कि लाइक यार कि बाहर एक छोटा सा आउटलेट ही डाल देते हैं? नहीं, फिर वो मकसद जो है मेरा कि लोगों को फ्रेश खिलाने का वो बंद हो जाता है। वो सही बात, उसमें मेरे को प्रिपरेशन करके ही रखनी है, 20 मिनट में देना है तो फिर प्रिपरेशन करके ही रखनी, बना के ही रखनी। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। आप मेरा लोगो देखोगे ना तो उस पर लिखा क्वालिटी विद क्वांटिटी। मैं आपको जिस रेट में आप एक प्लेट खा रहे हो ना जी, थ्री स्टार होटल में जा रहे हो तो 800 रुपए की एक प्लेट मिलती है मटन की। सही बात है। मैं आपको 1200 रुपए में लाल मांस दे रहा हूँ 1 किलो। अरे वाह, जिसमें 5 प्लेट बनती है। क्या बात है। अब आप सोचो 800 रुपए की प्लेट और 1200 रुपए में 1 किलो। 1 किलो मतलब 2 किलो वेट हो गया। 1 किलो रो मीट है और 1 किलो ग्रेवी है। ग्रेवी है। लाल मांस के अलावा एक हमारा मटन देसी घी है जो इतना फेमस है कि स्टार्ट टू एंड वो देसी घी में प्रिपरेशन होता है। और देसी घी भी कौन सा, 1300 रुपए किलो वाला। अरे वाह, ये डब्बे वाला नहीं, प्योर देसी घी, गाय का। कहाँ से लाते हैं? गांव से मंगाना पड़ता है। अब ये प्याज कैरेटनाइज हो गया है। अब इसमें अपन ये गरम मसाला डाल रहे हैं, तेज पत्ता, ये दालचीनी, बड़ी इलायची, ये लौंग, जावित्री, काली मिर्च, सारे गरम मसाले। और ये प्याज तो पक गया बिल्कुल अच्छे। बिल्कुल, ये 2-3 मिनट गरम मसाले को अपन वो करेंगे। हाँ। तेल में उसकी वो फ्रेग्रेंस आएगी। हाँ भी। अपन इसमें ये पिसा हुआ प्याज डाल रहे हैं। हाँ जी, पिसा हुआ प्याज। ये प्याज इसमें इसको दरदरापन देगा, इसकी ग्रेवी को थोड़ा थिक करेगा। वो थिक करेगा और एक बांधेगा और एक अलग टेक्सचर आएगा ग्रेवी के अंदर, जो आपने शायद लाल मांस में कहीं नहीं देखा होगा। अच्छा, आज देखेंगे आप। चलिए, मजा आने वाला है। मतलब ये जो प्याज अपन ने पेस्ट डाला था जी, वो तुरंत इसमें गोल्डन ब्राउन होना चालू हो गया। एक तो टाइम कम लेता है जी, और फटाफट ये देखो आप इसमें हो गया। अब इसको अपन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अपन लाल मांस बना रहे हैं। हाँ। इसको अपन ज्यादा नहीं करेंगे, अपन इसमें मटन डाल देंगे। अच्छा, अब इसमें अपन मटन डाल रहे हैं। ये नली पीस है, ये चाप है, पीस सारे बढ़िया लिए। ये कमर है, ये गर्दन है, ये कलेजी, कलेजी भी डाल रहे हैं। बिल्कुल, कलेजी सारे एकदम फ्रेश हैं, सब कुछ सब एकदम फ्रेश। मैं मानता हूँ मेरा सिलेक्शन बहुत सही था जगह को लेकर के, क्योंकि ये वाली प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता आगे कोई रेस्टोरेंट मुझे दे पाएगा। सही बात। ये चीज अंकल के पास ही मिल सकती थी, बहुत बढ़िया। तो जब मटन का पानी जब इस ग्रेवी के अंदर मर्ज हो जाएगा जी जी जी, तो अलग एक टेस्ट आता है। तो प्याज के साथ जब मटन भुना जाता है ना, तो मटन की बोटी जो है रेसे रेसे में उसका टेस्ट पहुंच जाता है। अभी जो प्याज बोटी के अंदर घुसेगा वो बाद का जो मसाला है वो प्याज खींचेगा उसको। अच्छा, ये है बात। मतलब थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। एक फायदा ये भी होता है ये वाली चीजें करने का कि हमें हमारे घर पे बनाने के लिए रेसिपी भी मिल जाती है, हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी। बस इसमें यही चीज ध्यान रखनी है, कब कौन सी चीज डालनी है। आपको मटन अच्छा बनाना है, कब कौन सी चीज डालनी है, टाइमिंग का खेल। और ये जितना हिलेगा उतना खिलेगा। मतलब मैं पता नहीं क्यों पूछना चाह रहा था, आप हफ्ते में कितनी बार मटन खाते हो? मैं 2 बार हफ्ते में, 2 बार, बाकी टाइम घर की दाल रोटी। घर की दाल रोटी। अरे वाह। अब एक तो वेट बहुत बढ़ गया, पहले एक टाइम था जब दोनों टाइम मटन खा लेते थे। हाँ। दोनों टाइम चिकन खा लेते, 7 दिन खा लेते थे। उस वक्त वर्जिश होती थी काफी, बच जाता था। सही बात। अब थोड़ा क्या है, थोड़ा उम्र का तकाजा भी, उम्र का तकाजा, बचाने में भी थोड़ी दिक्कत है। जब हम भी इस तरीके का काम करते हुए, क्योंकि
खाते रहते हैं, हफ्ते में 4 बार का हो जाता है, हाँ। तो हमें भी इस उम्र में लगने लगता है कि यार बहुत हैवी हो रहा है, अब थोड़ा सा 2 दिन का गैप देना चाहिए। लेकिन आज अगर आप खाओगे ना, हाँ, तो आपको बिल्कुल यूँ नहीं लगेगा कि आपने मीट खाया, भारीपन नहीं लगेगा। उसका एकमात्र कारण है कि मैं हर मटन में यूज करता हूँ अजवाइन, अजवाइन और हींग। अजवाइन, ये अजवाइन थोड़ा सा अजवाइन डाल रहा हूँ मैं, इससे मटन की जो बादी होती है और हैवीपन होता है वो सब इससे बैलेंस। तो दोस्तों अभी आपने देखा अंकल ने इसमें अजवाइन डाली थी, और ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं ना, ये तजुर्बेदार आदमी ही दे सकता है, और इसीलिए हम लोग नई नई जगह जाते हैं, आपको हर तरह की रेसिपीज दिखाते हैं। कॉमेंट कीजिए किस किस ने ये चीज पहले देखी है, मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं देखी होगी। हाँ जी अंकल, अब ये हींग है अपन पहले डाल रहे हैं ताकि बाद में इसका आपको कहीं पे भी स्वाद नहीं आएगा। अच्छा। ये इतनी सी हींग है, 1 किलो में बहुत है, खाली प्योर हींग है ये, तो 1 किलो में इतनी सी चुटकी भर हींग डाली है, बहुत है। अब आप देखेंगे, हाँ, कि जो प्याज अपन ने पिसा हुआ डाला था, हाँ, वो हर बोटी के ऊपर रज चिपक गया है, रज बस गया, हाँ, रज बस गया है। और इसी टाइम पे बस अपन को 10 मिनट हो गए हैं उसको भूनते हुए, इसी टाइम पे अपन इसमें डालेंगे मथाने मिर्च और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अब मथाने की बारी आ गई। हाँ, इसमें लहसुन है, मथाने मिर्ची है और ऑर्डिनरी मिर्ची है, इसमें एक मिर्ची अभी अपन पिसा हुआ पाउडर और डालेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो पेस्ट है गार्लिक वगैरह के साथ, वो अंकल डाल दिए हैं। अब आप इसकी रंगत देख लें, मथानिया डलते ही चेंज हो जाता है मामला, कलर देखो, ये कलर जो देखो, कलर है ना ये मथानिया से ही आ सकता है। बाय हार्ट रेगुलर ब्लड डोनर हूँ। अरे वाह, अब तक मैंने 148 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है। 148, माय गॉड, ऑफिशियल 16 जनवरी को दिया है अभी आपने। अरे वाह, इसमें ये रंगत आने चालू हो गई है। अब इसमें अपन क्या है, 2 मिनट बाद उसको और भून लेते हैं थोड़ा, और फिर इसमें अपन दूसरे मसाले भी डालेंगे। अब मैं इसमें मसाले डाल रहा हूँ, आप इसकी रंगत देख लो एक बार। अरे वाह, और इसमें बाकी मसाले डाल रहा हूँ ताकि वो भी पक जाए। ये हल्दी पाउडर, ये हल्दी आ गई बहुत ही कम। अब ये धनिया पाउडर, धनिया ज्यादा रखने की वजह, धनिया और मिर्ची एक सरी की रखनी चाहिए, ठीक हो जाए। और धनिया क्या है, पेट में ठंडक करता है, हीटनेस को बैलेंस करने के लिए अपन इसमें धनिया और ये डाल रहे हैं। तभी क्या क्या रह गया अंकल डालने के लिए? अब इसमें सिर्फ दही, नमक। ये देखो यार, ये है मामला उदयपुर। अब मुंह में पानी आ रहा हो ना तो कमेंट कर देना जगह मैं बता दूंगा आपको आना का है, और आके बढ़िया ये खाना, मजा आ जाएगा आपको। देखो अब ये हल्दी और धनिया जो अपन ने डाला था, हाँ, वो भुन गया है, हल्की रंगत तरी आने लग गई है, बिल्कुल आ गई है। अब इसमें अपन इस स्टेज पे इसमें अपन दही डाल देंगे। अच्छा, ये फेंटा हुआ दही है, मलाई वाला, तकरीबन 200 ग्राम से ऊपर है, बिल्कुल फेंटा हुआ प्योर दही, एकदम गाढ़ा दही है, गाढ़ा मलाईदार मलाईदार। अब क्या होगा, दही मिक्स होने के बाद में जो दही अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा ना, मजा आएगा फिर। अब अपन को दही डाले हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, और आप ये देखो दही इसमें पूरा रज बस गया है, बिल्कुल, और एकदम से बिल्कुल ग्रेवी का थिकनेस देखो आप, कैसा लग रहा है, जैसे मक्खन ही हो। अभी इसमें नमक डालना बाकी है, अपन इसमें 2 तरह का नमक डालेंगे। ऑथेंटिक लाल मांस जो है उसमें जब जोधपुर साइड में जब बनता था वो, तो उसमें सिर्फ काला नमक रॉक सॉल्ट डाला जाता था, व्हाइट सॉल्ट नहीं पड़ता था, सांभर लेक का व्हाइट सॉल्ट पड़ता था, आखा पड़ता था वो भी। वो सांभर लेक का जो आखा नमक होता है वो पेट को इतनी जल्दी टेंडर करता है जितनी जल्दी ये टाटा नमक नहीं करता। अब अपन इसमें दोनों तरह के नमक डाल देते हैं। तो ये तो सादा नमक हो गया, ये सादा नमक है, नमक स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, और ये काला नमक, ये काला नमक रॉक सॉल्ट है। पैसा मेरे हर डिश में काला नमक होता है, क्योंकि काला नमक नुकसान नहीं करता, सफ़ेद नमक नुकसान करता है, सफ़ेद कम काला ज़्यादा। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हैं, हाँ। और इसमें एक जादू की झप्पी देनी है। अरे वाह, वो क्या है? लिटरली जादू की झप्पी है ये। क्या चीज है देखें? ये है शक्कर। शक्कर, या ये इसकी जो एसिडिटी है मिर्ची की, हाँ। क्योंकि अपने इसमें इतनी मिर्ची यूज की है, हाँ। तो इसकी जो मिर्ची की एसिडिटी है, हाँ। उसको कम करने के लिए ये 10-12 दाने शक्कर। अरे वाह, ये भी एक नई चीज आज सीखने को मिली हमको, हमने इससे पहले नहीं देखा था। तो ये एसिडिटी को कम करता है। जब भी आप कोई भी मतलब मसालेदार चीज बना रहे हैं, हाँ। उसमें आप 4-5 दाने शक्कर अगर डाल देंगे, हाँ। तो उसकी एसिडिटी बिल्कुल नील हो जाएगी। अरे वाह, अब ये देखो मसाला पूरी तरीके से भुन चुका है, मीट पे बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, मसाले अपन ने लगभग सारे डाल ही दिए।
इसमें पड़ेगा गर्म पानी। गर्म पानी, और गर्म पानी के लिए दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने हमारी पहले भी वीडियो देखी है तो हमने आपको बताया था गर्म पानी इसलिए डाला जाता है, मटन की किसी भी डिश में अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो कुकिंग प्रोसेस को रोक देता है किसी भी ग्रेवी वाली डिश। हाँ, और मटन सख्त हो जाएगा और खिंचाव देगा। यार मन तो ये कर रहा है यहाँ पे प्रोसेस को रोक के इसको रोटी पे ले लें ना। मजा आ रहा है मतलब। हाँ, मजा आ रहा है। इसको सिर्फ तवे से उतरती हुई गर्म रोटी के साथ खाया जाए, चपाती के साथ। चपाती बिना चिपड़ी हुई, बिना चिपड़ी। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है इसमें बाटी। बाटी, एकदम कंडे में सिकी हुई बाटी। मतलब आप तो बिल्कुल उदयपुर वाली बातें कर रहे हो। तो ये गर्म पानी आ गया, गर्म पानी है। इसको अपन दो किस्तों में डालेंगे। गर्म पानी डालने का फायदा देखो आप, ये बटन फुदक रहा था। अब तक फुदक ही रहा है, उबाल खत्म नहीं हुआ, उबाल खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसको भी अपन दो किस्तों में ही डालेंगे। अच्छा, दो बार पानी डालने का एक कारण और भी, ये रोगन देख रहे हो, कोरमा, कोरमा रोगन जो भी कह सकते हैं अपन इसको, ये एकदम निकल के आएगा ये देखो। अच्छा, दो मतलब इंस्टॉलमेंट में डालने पे पानी, दो इंस्टॉलमेंट। अब मैं इसमें फाइनल पानी डाल रहा हूँ, जितना पानी अपन को इसको टेंडर के लिए चाहिए उतना, जितनी ग्रेवी रखनी है, जितनी ग्रेवी रखनी है उतने। इसमें करीब अपन को 50 मिनट लगेंगे बनने में। सारी चीजें डल गई, पानी डल गया, और मीट देखिए पानी इतना डालना चाहिए जितने में मीट ऊपर बस दिखे थोड़ा सा। ढक देंगे, ढक देंगे बिल्कुल सिम आंच पे करीब 45 से 50 मिनट, एक घंटा। तो अभी अपन इसको ढक देते हैं, अभी अपन इसको ढक देते हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे 40 मिनट बाद कि इसकी रंगत क्या है। क्या है, 15 मिनट हो चुके हैं जी। अब हम इसको एक बार खोल के हिलाएंगे, ये देखिए आप इसकी रंगत। एक सेकंड में आपको इसकी रंगत दिखाता हूँ, देखो। अरे वाह, सारी चीजें हैं। ओहो, अब दिख रहा है ना रोगन अच्छे से। इसको अपन स्लो कुक होने देते हैं, बिल्कुल स्लो आंच पे है ये, 40-50 मिनट लगेंगे। अब इसको ढक के अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, मैं आपको बस छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। ये घर है सर का, ये डाइनिंग टेबल रही, ये सर, ये इनकी बिटिया, और ये रहा सिंपल सा सेटअप, बिल्कुल देसी काम हो रहा है और शुद्ध काम हो रहा है। शुद्ध, अपन ने लाल मांस बनाया था जी, अब अपन उसमें लगा रहे हैं धुंगार। ये है लाल मांस पैनल, ये देखो रंगत दोस्तों लाल मांस की, बहुत ही शानदार। अब इसमें अपन एक स्पेशल धुंगार लगा रहे हैं। धुंगार बोले तो इसको धुआं दे रहे हैं, स्मोकी फ्लेवर कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए अपन ने कोयला जलाया। बेटा लौंग का पेस्ट और वो लाओ, धुंगार मतलब धुआं देना। तो आइए अब आपको धुंगार लगा के बताते हैं कि धुंगार कैसे लगता है। तो ये अपने रखी एक ब्लैंक कटोरी, उसमें ये गया जलता हुआ कोयला, और ये गया इसमें लौंग कुटा हुआ, और ये गया देसी घी। ये ढक दिया अपने, ये अपन ने इसको ढक दिया 2 या 3 मिनट। इससे स्मोकी फ्लेवर आएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा, बहुत सुपर स्मोकी फ्लेवर आएगा। धुंगार, ये धुंगार, माय साहब, ये है धुंगार, ये है फील, माय गॉड, धुंगार की निकाल दिया। वाह, रंगत देख रहे हो, तो ये देख सकते हो यार, कलर्स देखो आप इसके। ओ, ये है चाप का पीस। अरे वाह, मतलब अंकल ये तो मतलब क्या ही बना दिया है आपने। ओ माय गॉड, ये ऊपर से देखा दोस्तों रोगन आ रहा है मुंह में पानी। क्या बना दिया अंकल आपने यहाँ, अब आप खा के बताओ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल, और मुच्छड़ अंकल किचन के नाम से जो कि है गगन जी, बहुत ही तजुर्बेदार जिसको बोला जाता है ना, उस तरह के शख्सियत हैं ये। और इन्होंने आज फेमस जो हमारे राजस्थान का और खासकर उदयपुर के लिए बोला जाता है कि यहाँ का जो लाल मांस है वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, बहुत ही टेस्ट होता है उसमें। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आज हमने ये बनवाया है, आपने इसकी पूरी मेकिंग देखी थी। तो ये देखिए पीस देख रहे हैं आप, ये चाप के पीस इसमें इन्होंने दिए हैं, और ये पोर्शन आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। और ये ग्रेवी देख रहे हो, ये ग्रेवी उस तरह की है ना, तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा लाइट। ये जो कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये कंसिस्टेंसी देखिए, ये पूरी जो है सरसों के तेल की प्रिपरेशन है, और जिस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे पसंद है ना, इस तरह की पसंद है। एक बार पीस चेकआउट करते हैं ये देखो, और इसकी अब भुनावट देख लेते हैं हम कि किस तरह से ये पका है।
तो ये है चाप का पीस, ये देखिए, ये देख रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, और ये देख रहे हो कितना इजीली, और ये देखो ये दबाने से देखो कैसे अलग हो रहा है। तो ये होता है जब अच्छे से पकता है ना कोई चीज़, बनाने वाला तजुर्बेदार होता है, तो इस तरीके की मेकिंग होती है कि बिल्कुल आप ये हड्डी छोड़ दें बिना किसी मेहनत के। ज़्यादा देर नहीं करते, मैं इसको ले लेता हूँ इस पर और एक निवाला लेते हैं। हालांकि ये क्लाउड किचन है, आप यहाँ आके इनके घर पे तो नहीं खा सकते, लेकिन आप ऑर्डर कर सकते हो। और आपको कुछ भी अगर बनवाना है तो कम से कम 2-3 घंटे पहले आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश बनता है और फ्रेश ही दिया जाता है। तो अभी हम खा रहे थे तो लाइट चले गई, ये हमने एक लाइट सोर्स लगाया है क्योंकि हमें तो आपको डिटेलिंग दिखानी है अच्छे से। बिल्कुल रॉ चलने देते हैं इसको, क्योंकि हमारी चीज़ों में कोई ऑल्टरेशन नहीं होती। अब इसको देखिए, ये देख रहे हो आप ग्रेवी। अब एक बार इसको खाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। क्या बात है यार, ये देखिए मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो, ये है फील। मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरा उदयपुर आना ना सफल हो गया। और ना इनकी इस प्रिपरेशन की एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ, अगर रोटी ना भी हो ना तो ये इस तरीके की प्रिपरेशन है कि आप इसको बिल्कुल बिना रोटी के भी खा सकते हो। और ये देखो पीस, मतलब देख रहे हो, जो टेस्ट आ रहा है ना, मैं बताता हूँ आपको, जो सरसों का तेल में ये बना है, जब अच्छे से सरसों का तेल पक जाता है और जो टेस्ट देता है ना, और हम राजस्थान में एक बार इसको अपने स्टाइल में खाते हैं। ये ग्रेवी जो मुझे बेहद पसंद है, इसको इस तरह से डालते हैं इसके ऊपर और इसको पूरा इस तरीके से बंद करते हैं और इसको चूर लेते हैं एक बार। आहा, ये है फील, देख रहे हो, ये देखो यार, ये है निवाला। वो जायका बकायदा बोल रहा है। अगर मैं लाल मांस की बात करूं, मैंने पहले भी बहुत जगह रिकॉर्ड किया है, हालांकि हर जगह का जायका अलग अलग होता है, हर किसी का बनाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, और जो टेस्ट गगन जी ने दिया है ना, मैं बोल सकता हूं लाल मांस की कैटेगरी में ये मेरा फेवरेट है, सीरियसली। एंड आई रिकमेंड यू ऑल, क्योंकि ये टेक अवे है, ये क्लाउड किचन है, तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। यहाँ आकर हमारी तरह खा नहीं सकते, आप आधा किलो की प्रिपरेशन, 1 किलो की प्रिपरेशन में ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर आप सेम डे ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले ऑर्डर देना होता है। और अगर आपको क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए तो आप 1-2 दिन पहले भी आप ऑर्डर कर सकते हो। आप आउट स्टेशन रहते हो तब भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप उदयपुर में हो तो उदयपुर में तो ये, हालांकि स्विगी जोमेटो पे तो नहीं है, लेकिन गगन जी पूरे उदयपुर में आप कहीं से भी हैं आपको डिलीवर करवा देते हैं, वो भी फ्रेश बना के। बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाल मांस की कैटेगरी में इसकी जो रेटिंग है वो यही होनी चाहिए। और इसकी जो प्राइस है इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं मानता हूँ इस टेस्ट के हिसाब से ये जो प्राइस है बहुत ही सही प्राइस में आपको ये चीज़ मिल रही है। आप कॉमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा और आप लोग कब आ रहे हो उदयपुर ये खाने के लिए, या फिर इसको मंगवाने के लिए आप जल्दी से ऑर्डर कर सकते हो। मैं इनका मोबाइल नंबर भी आपको स्क्रीन पे ही दे देता हूँ। वन मोर बाइट। अब देखो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, अब मैं इसको कर लेता हूँ फिनिश। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियोस को YouTube पे तो डालता ही हूँ और आपका बहुत प्यार मिलता है और उसके लिए बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और इसके अलावा मैं अपनी वीडियोस Facebook पे भी डालता हूँ और Insta पे रील्स डालता हूँ। और आप चाहें तो Facebook और Insta को फॉलो कर सकते हैं, आपको कंटेंट वहाँ पे भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जो कि है www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आई मीन दिस इज इट फॉर नाउ, और अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और नई रेसिपी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।